जो है जब आप उसको इंडेंट कर रहे हैं, जब कभी इंडेंट करते हैं तो आप उस पर अपनी रिक्वायरमेंट रेस करते हैं कि मैंने उसको विद इन वन आवर वन डे कितना चलाना है या फिर उसकी क्लास ऑफ ड्यूटी क्या रखनी है। तो वो जो पर डे आप रिक्वायरमेंट दे रहे हैं अपनी, वो डिफाइन करती है कि उस क्रेन की लाइफ क्या रहने वाली है। यदि आप बोलते हैं कि आप क्लास वन क्रेन ले रहे हैं, तो क्लास वन क्रेन ले रहे हैं और आप उसको डेली का केवल आधा घंटा एक घंटा यूज करते हैं, तो ऐसे में वो क्रेन की लाइफ आप कह सकते हैं 15 से 20 साल आराम से आए और उसमें कोई लॉस नहीं होने वाला। वही अगर आप क्लास फोर ले रहे हैं और उसको आप दिन में 8-10 घंटे भी यूज कर रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो तब भी 15-20 साल चलेगी। इन जनरली जो एज है उसकी, वो तब अफेक्ट होती है जब आप क्लास ऑफ ड्यूटी लोअर साइड लेते हैं और उसका यूज आप जो है हायर क्लास ऑफ ड्यूटी के हिसाब से करते हैं। और जो वर्किंग आवर्स की आपकी बात कर रहे हैं आप, तो वर्किंग आवर्स के लिए IS 13834 है इंडियन कोड, उसमें आपकी क्लास ऑफ ड्यूटी के रिस्पेक्टिव वर्किंग आवर्स के लिए गाइडलाइंस दे रखी है कि वो 13834 13834। तो ये पर्टिकुलर कोड है, इसमें टोटल ये आप पूछ रहे हैं कब कंडक्ट करनी चाहिए। जी जी, इसमें जो बोर्ड में मेंबर मैकेनिकल हैं, 36 पूरा क्या प्रॉब्लम क्या है आप तो क्वेश्चन में वही जानना चाहते हैं कि हमें क्रेन कब कंडेम करनी चाहिए। देखिए दो तीन चीजें, पहले क्या आपने क्रेन में बेसिकली दो तीन चीजें, एक तो बीम है उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक उसके एंड करेज है जिसमें व्हील लगा हुआ है, एक उसकी ट्रॉली है जिसमें मोटर गियर बॉक्स और ये लगा है। ये क्वेश्चन एक बारी आज से 15 साल पहले मेरे से बात हुई थी, जो आपके मेंबर मैकेनिकल हैं वो कह रहे थे कि भाई ये क्वेश्चन उन्होंने किया और वो ये कह रहे थे कि भाई हम उसमें पैसे कैसे बचा सकते हैं। क्रेन का जो स्ट्रक्चर है आप कल देखेंगे, उसमें हम एक कैम्बर देते हैं, क्रेन मतलब ऐसे सीधी नहीं होती, जो बीम है उसका उसमें कैम्बर होता है। कैम्बर दो तरफ हो सकता है, एक तो पॉजिटिव मतलब ऊपर उठा हुआ है, एक नेगेटिव कि भी एक नीचे है। अगर आपकी क्रेन में पॉजिटिव कैम्बर है तो आपको क्रेन को कंडेम करने की जरूरत नहीं है, आप उसके लिए नई ट्रॉली नए एंड कैरेज नए इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं और आपकी क्रेन नहीं बन जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मान लीजिए 1925-1930 में क्रेन लगी तो उसकी जो शीट थिकनेस थी, जो प्लेट की थिकनेस थी जब वो बनाई तो 8 mm थी, वो 8 mm की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें जंग लग के ये लग के वो लग के वो 7 mm रह गई या 6 mm रह गई। हम लोग वो अल्ट्रासोनिक मेथड से यूटी मेथड से आप चेक कर सकते हैं कि भाई आपकी वो शीट की थिकनेस जो है ना वो कितनी रह गई। उसको बैक कैलकुलेट करके मान लीजिए कि पहले आपकी क्रेन वो 25 टन की थी, अब वो 7 mm थिकनेस के हिसाब से या 6 mm के थिकनेस के हिसाब से वो 20 टन की रह गई या 15 टन की रह गई, वो हो जाएगा। लेकिन कैम्बर उसके पॉजिटिव ही चाहिए, कंपलसरी है। उसमें फिर आप मतलब उसको आपको स्ट्रक्चर को खराब करने की मतलब कंडेम करने की जरूरत नहीं, आप उसको रिफर्बिश कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रॉली वैसे भी अच्छी है तो वो रिपेयर हो जाएगी, अगर ट्रॉली भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है तो आप नई ट्रॉली ले सकते हैं, नया इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं। अभी एक परमपुर से है, परमपुर से नहीं है, आपका जो ये है ट्रेवर्सर है, ट्रेवर्सर में देखा हमारा ट्रेवर्सर लगा हुआ है रेवा का, नहीं हम तो आईसीएफ आगे जो है उसमें 1997 में वो ट्रेवर्सर लगाया था, वो ट्रेवर्सर में स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आया बिल्कुल, उसमें सिर्फ क्या हुआ है इलेक्ट्रिकल क्योंकि बार बार रिपेयर हुआ और हम इलेक्ट्रिकल वालों को थोड़ी सी एक ये होती है कि भाई तू फॉल्ट रिपेयर कर दे जो भी है, कहीं जहाँ तीन तारे जोड़नी है जोड़ जाड़ के चला दे, उसके बाद उसको ठीक से बंद किया नहीं किया वो रहता है। तो उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इलेक्ट्रिकली वो चल रहा है अभी भी लेकिन इलेक्ट्रिकली वो परफेक्ट नहीं है। तो अभी हम पेरम्बूर वालों ने हमसे बोला कि आप हमें इसका नया इलेक्ट्रिकली हमको इसको पूरा नया पैनल दे दीजिए ना चला,
मतलब 21 साल हो गए उसको ट्रैवर्स को चलते हुए, और मैं समझता हूँ कि इसको रिफर्बिश करने के बाद वो अनदर 25 साल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आप देख लीजिए, कंडेम मत करिए किसी चीज को। अगर हाँ उसमें नेगेटिव कैमरा आ गया तो आप बोल दीजिए कि साहब इसको अभी एक